एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन। हमने देखा जो आपके पिरिडीन है, जो आपका सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसकी हमने स्ट्रक्चर की बात की, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस किया। अब हम कुछ मेथड्स करेंगे जिससे आप पिरिडीन प्रिपेयर कर सकते हो। इससे पहले हम फाइव मेंबर हेट्रोसाइकल्स के लिए भी आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, उनकी केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। सिक्स मेंबर हेट्रोसाइकल्स में हम ये सब पिरिडीन के लिए पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूलर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हम बात कर चुके हैं, अब एक एक करके कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास, ये ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड है, यानी कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा कि आपके फाइव मेंबर हेट्रोसाइकल्स के लिए मेथड्स थे, वैसे ही कुछ मेथड्स रहेंगे हमारे पास। तो फर्स्ट है फ्रॉम एसिटाइलीन। हाँ जी, एसिटाइलीन की अगर हम बात करें, क्या होता है आपका C2H2, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन करानी है C2H2 यानी एसिटाइलीन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हाँ जी, होगा क्या, आपको दो एसिटाइलीन के मॉलिक्यूल लेने हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्ट कराना है आपको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ HC ट्रिपल बॉन्ड N। रेड हॉट ट्यूब से जब हम इसे पास करेंगे तो हमारे पास पिरिडीन की फॉर्मेशन होगी। हाँ जी, पिरिडीन की फॉर्मेशन होगी हमारे पास। हमने किया क्या है, दो मॉलिक्यूल एसिटाइलीन के और एक मॉलिक्यूल लिया है हाइड्रोजन साइनाइड का। आपको पास कराना है रेड हॉट ट्यूब से अपने सॉल्यूशन को। रेड हॉट ट्यूब से जब आप इस गैस को पास कराएंगे तो आपका क्या होगा, आपका फॉर्मेशन हो जाएगी पिरिडीन की। अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, यानी किस तरह से ये आपकी पिरिडीन की फॉर्मेशन होती है, तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू रहता है। अगर हम समझने की कोशिश करें कि हुआ क्या होगा, तो कुछ इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दो मॉलिक्यूल CH ट्रिपल बॉन्ड CH और एक मॉलिक्यूल है हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड का। हाँ जी, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड, ये क्या है, आपके सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन साइनाइड है, यानी कि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यहाँ पर एक अटैच, यानी नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतनी ही टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट रहेंगे, आपके नाइट्रोजन की तरफ। तो दैट मीन्स यहां से मैं कह सकती हूँ ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है और ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो ऐसे में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्टेड रहेगा यहाँ पर। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर अट्रैक्टेड रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कहाँ आ गई, अब इन दो कार्बन के बीच में आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहां पर आ गई तो दैट मींस अब ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, यानी इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो हुआ क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन तो हो गए ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रांसफर, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ये नाइट्रोजन पर। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इसके एडजेसेंट में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये भी कंपनसेट करने की कोशिश करेगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को, यानी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इन दो कार्बन के बीच में, यानी कि हम कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिच और ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करते करते, क्योंकि अब देखो स्टार्ट कहां से हुआ था, यहां से, यानी कि पहले नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच था, नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा ही क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लूजली बाउंड होता है और वहां पर बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, जहां पर नाइट्रोजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसका तो काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा रहेगी, यानी नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच एटम है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इसको कंपनसेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर रहेगा, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन रिच ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
और यहाँ पर नाइट्रोजन इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करते करते यहाँ पर क्या हो जाएगी, साइक्लाइजेशन हो जाएगी। किस तरह से? कार्बन नाइट्रोजन के बीच में रह जाएगा डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन एज इट इज, जो हाइड्रोजन साइनाइड का था। अब जो ये CHCH थे, यानी कि जिनके बीच में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, वो क्या रह गया, डबल बॉन्ड, और एक एक हाइड्रोजन है इनके पास। ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। सिमिलरली जो आपका एसिटाइलीन का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये एसिटाइलीन का मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये एसिटाइलीन का मॉलिक्यूल ये कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, और ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच था, तो उसने बॉन्ड किसके साथ बनाया, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के साथ। तो यहाँ पर हमारी ये फॉर्मेशन हो गई, और ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई है, पिरिडीन की फॉर्मेशन हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका कंसर्टेड मैकेनिज्म रहता है जिसके थ्रू आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, पिरिडीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, क्या था, फ्रॉम एसिटाइलीन। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड करेंगे फ्रॉम पेंटामिथाइलीन डाइअमीन, पेंटामिथाइलीन डाइअमीन, पेंटामिथाइलीन डाइअमीन हाइड्रोजन क्लोराइड। हाँ जी, सिंपली आपको पेंटामिथाइलीन डाइअमीन लेना है। आपके पास पेंटामिथाइलीन डाइअमीन होता क्या है, पेंटामिथाइलीन यानी कि आप पांच कार्बन की यहां पर बात कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपके पास है CH2। अगर आप मिथाइलीन ग्रुप की बात करो तो मिथाइलीन ग्रुप होता है ये, यानी एक CH2 ग्रुप जो आगे फर्दर दो ग्रुप के साथ अटैच्ड हो। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पेंटामिथाइलीन क्या रहेगा, पेंटामिथाइलीन हमारे पास रहेगा ये ग्रुप। तो पेंटामिथाइलीन इसके साथ क्या अटैच है, आपके अमीन, यानी कि NH2 ग्रुप से अटैच है यहाँ पर, और उनके साथ फर्दर सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या है, आपके साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HCl अटैच है। जब हम इसे हीट करते हैं, हीटिंग के बाद हमारे पास NH4Cl रिमूव हो जाता है, NH4Cl और एक मॉलिक्यूल HCl का रिमूव हो जाता है, और हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, और वो साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास क्या बनता है, वो साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास बनता है पाई पिरिडीन। हमारे पास पाई पिरिडीन की फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शन हम हाई टेम्परेचर पर करते हैं, यानी हम हीट कर रहे हैं, तो हीटिंग से फर्दर क्या होगा, यहां से हमारे पास होगी डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि यहां से अभी आप देख रहे हो कि यहां पर आपकी पाई पिरिडीन की फॉर्मेशन है, यानी कि जो आपका पिरिडीन है वो टोटली हाइड्रोजिनेटेड है यहां पर। तो हीटिंग से क्या होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या होगा, यहां से आपके तीन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, यानी 3H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे, यानी कि आप कह सकते हो एक हाइड्रोजन ये, एक इस कार्बन से, क्योंकि हर एक कार्बन पर अभी दो दो हाइड्रोजन अटैच हैं, तो क्या होंगे, एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे हर एक कार्बन से भी और नाइट्रोजन से भी। तो जब H2 यानी कि एक मॉलिक्यूल यहां से, H2 का एक यहां से, एक यहां से, तीन मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, तो हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी पिरिडीन की। तो ये थी हमारी पेंटामिथाइल डाइअमीन हाइड्रोजन क्लोराइड से फॉर्मेशन किसकी, पिरिडीन की। तो हम पिरिडीन की फॉर्मेशन की यहां पर बात कर रहे थे, तो ये हमारे पास पहले पाई पिरिडीन की फॉर्मेशन होती है, एंड देन फर्दर डिहाइड्रोजिनेशन के बाद हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, पिरिडीन की। तो होता क्या है, ये आपके पास पेंटामिथाइल डाइअमीन है, तो क्या होगा, यहां से आपके एक, क्योंकि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो एक HCl का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा हीटिंग से, और यहां पर जो ये NH2 ग्रुप है, यहां से अगर मैं बात करूं, मैं सिंपली इसे रिप्रेजेंट कर लेती हूं यहां पर H2 इस तरह से, तो ये है हमारे पास HCl रिमूव हो जाएगा, HCl को तो हम रिमूव कर देते हैं दोनों में से किसी भी एक मॉलिक्यूल से। उसके बाद है हमारे पास ये रह जाता है, तो हमारा यहां से क्या रिमूव होता है, NH4Cl का रिमूवल होता है, यानी कि क्या रहेगा आपका, HCl है यहां पर, तो यहां पर आपके पास ये Cl
ये यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप रह जाता है क्योंकि HCl रिमूव हो गया, और यहाँ पर आपका क्या रह जाता है NH2 HCl as it is, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा NH4 यानी दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक आपका नाइट्रो, यहाँ से आपके दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और यहाँ से NH2Cl, यानी किसी भी तरह से आपका NH4Cl रिमूव हो जाएगा, ये नाइट्रोजन जो है ये साइक्लाइजेशन कर लेगा आपके कार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से ये साइक्लाइजेशन, तो सिंपल साइक्लाइजेशन से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, पिरिडीन की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे फर्दर डिहाइड्रोजिनेशन से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, सॉरी पहले पाइपिरिडीन एंड देन पिरिडीन की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास। तो ये मेथड था आपका फ्रॉम पेंटामिथाइल डायमीन हाइड्रोजन क्लोराइड, सिंपली हीटिंग से आपके पास NH4Cl और HCl का रिमूवल होगा और सिंपली आपका क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। तो ये था आपका सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जी नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये हम करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम टेट्राहाइड्रो परफ्यूराइल अल्कोहल, परफ्यूराइल अल्कोहल, टेट्राहाइड्रो परफ्यूराइल अल्कोहल से हम करेंगे आपकी पिरिडीन की फॉर्मेशन। हाँ जी, परफ्यूराइल ये टर्म हमने पहले भी देखी है, हमने पहले भी इस मॉलिक्यूल के बारे में बात की है। परफ्यूराइल हमारे पास क्या था, परफ्यूराइल था हमारे पास फ्यूरान का कंपाउंड था। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेट्राहाइड्रो परफ्यूराइल, यानी कि आप बात तो कुछ फ्यूरान के ही सब्स्टिट्यूएंट की कर रहे हो, यहाँ पर फ्यूरान के सब्स्टिट्यूएंट दैट इज टेट्राहाइड्रो, यानी कि उस वो क्या है आपका टेट्राहाइड्रोजिनेटेड, फ्यूरान टेट्राहाइड्रोजिनेटेड। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होते तो आपका फ्यूरान होता, अब वो हाइड्रोजिनेटेड है, दैट मीन्स आपको चार हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर चुके हैं आप, यानी यहाँ 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 और यहाँ, तो ये आपका टेट्राहाइड्रेट हाइड्रोफ्यूरान है, टेट्राहाइड्रोपरफ्यूराइल अल्कोहल। हाँ जी, परफ्यूरल क्या था आपके पास, जब यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच था, अब हम बात कर रहे हैं परफ्यूराइल अल्कोहल की, दैट मीन्स वो हमारे पास क्या होगा CH2OH। तो आपको क्या करना है, आपको परफ्यूराइल यानी टेट्राहाइड्रोपरफ्यूराइल अल्कोहल लेना है जो कि आपका कंपाउंड होगा ये, और टेट्राहाइड्रोपरफ्यूराइल को आपको क्या करना है, आपको रिएक्ट कराना है अमोनिया के साथ, और जब आप इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्यूमिना की प्रेजेंस में जब आप इसे हीट करोगे तो आपकी पिरिडीन की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है आपकी, पिरिडीन की फॉर्मेशन होती है। हाँ जी, तो पिरिडीन की फॉर्मेशन किससे, आपके टेट्राहाइड्रोपरफ्यूराइल अल्कोहल से हम बात कर रहे हैं। ये था कि आप क्या रिएजेंट लोगे और क्या आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो हमने यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया है, तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ से होगा डिहाइड्रोलिसिस होना। तो डिहाइड्रोलिसिस जब हम इसकी कराएंगे, तो डिहाइड्रोलिसिस यानी यहाँ से OH और यहाँ से आपका H, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ इसको। हाँ जी, यहाँ से आपका एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये NH2 ग्रुप CH2 के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। सिंपल है, OH नेगेटिव यहाँ से रिमूव होगा, H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होगा, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, NH2 नेगेटिव और CH2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ से दैट मीन्स हमारे पास मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, डिहाइड्रोलिसिस होगी, जिससे कि हमारी फॉर्मेशन होगी यहाँ से CH2NH2 की फॉर्मेशन होगी। मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ कुछ इस तरह से, क्यों रिप्रेजेंट कर रही हूँ अभी बात कर लेते हैं, क्यों रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऐसे। हाँ जी, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये एक कार्बन है जो क्या है, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, जो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, जो फर्दर किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो दैट मीन्स ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर किस तरह से है, अगर मैं बात करूँ ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। सिमिलरली जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, वो सिमिलरली इस ऑक्सीजन पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, यानी पर कार्बन तो घटता चला जाता है बट स्टिल इफेक्ट तो होता है, उसको तो डिनाई नहीं कर सकते ना।
ये फर्स्ट कार्बन से करेगा तो सेकंड कार्बन से भी करेगा, और यही सेकंड कार्बन डायरेक्टली नाइट्रोजन से भी अटैच है। सिमिलर इफेक्ट यहाँ पर भी होगा, तो दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा, या तो ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन, यानी ये प्रोटॉन्स क्या होंगे, रिमूव होंगे। हम बात कर रहे हैं इस प्रोटोन के थ्रू, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, यानी कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो ये क्या करेगा, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ट्रांसफर कर देगा इस कार्बन को, क्योंकि नेबर का काम है उसकी हेल्प करना, तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी नेबरहुड में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। और हाइड्रोजन का काम होता है, अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हाइड्राइड आयन की फॉर्म में निकल जाता है, अगर वह कहीं पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करके एच पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा, यानी यहाँ से एच पॉजिटिव रिमूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो जाएगी कंप्लीटली किस पर, ऑक्सीजन पर, क्योंकि जब बॉन्ड ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ट्रांसफर होगी, आपके ऑक्सीजन पर। यानी कि कुछ इस तरह से होगा आपका कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, तो यहां से CH डबल बॉन्ड CH NH2 ये बनेगा हमारे पास, और यहां से आपका क्या होगा, यहां से जो ऑक्सीजन है उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां से ये क्या करेगा, जो ये प्रोटॉन रिमूव हुआ था उसे ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहां से ये किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, OH की फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ से OH की फॉर्मेशन कर लेगा। उसके बाद ये क्या है, डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन है इसके साथ, यानी ये क्या है, ये कार्बन आपका बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये एक गुड इलेक्ट्रोफाइल है और ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, और यहाँ पर हो जाएगी साइक्लाइजेशन, यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसको नंबरिंग दूं, स्टार्टिंग से नंबरिंग लेकर के चलते हैं, 1, 2, 3 सॉरी इसको नहीं देते हैं नंबर, कार्बन को देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 जिससे कि हम अपने पिरिडीन की फॉर्मेशन कर पाए, जो हमारे पिरिडीन के मॉलिक्यूल्स हैं, पिरिडीन के जो एटम्स हैं हम उनको नंबरिंग दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिंपल है। यहाँ पर क्या हुआ था, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था, 6 पर नाइट्रोजन है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 सिंपल है बिल्कुल। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो 6 है इसने 1 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की, यानी कि कुछ ऐसा हुआ, हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, यहां से साइक्लाइजेशन होगी, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। 6 मेंबर्ड रिंग किस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी। हाँ जी, हुआ क्या है, हमारे 4 और 5 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है, यानी 4 और 5 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ये 4 ये 5 और ये तो है 6, 1 और 6 के बीच में अभी अभी बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, और 1 पर क्या अटैच है, OH अटैच है, और ये क्या था, ये था NH2, जब इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड की है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ जी, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां से क्या है आपके, जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है वहां से पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, ये अपने OH नेगेटिव को रिमूव कर देगा, जब ये अपने OH नेगेटिव को रिमूव करेगा, यानी कि यहां से ये अपने OH नेगेटिव को, वापस रिपीट कर रहे हैं हम थोड़ा सा, हाँ जी, क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हुई है, यहां पर ये नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां प्रोवाइड करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी N पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या हो गई, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, तो ये OH को यहां से रिमूव कर देगा, और साथ में क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इसका प्रोटॉन क्या करेगा, इसका प्रोटॉन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को दे करके, जिससे कि उस पर लोन पेयर वापस आ गया, जिससे कि उस पर क्या हुआ, लोन पेयर वापस आ गया है, तो दैट मींस ये क्या हो गया, सिंपली यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, OH यहां से और H यहां से, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम ऑलरेडी यूज कर सकते हैं इजीली, कितने भी वाटर मॉलिक्यूल निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी, तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास फॉर्म हो गया। अब सिंपली क्या रह गया हमारे पास, हम जब हीट कर रहे हैं तो यहाँ से आपके 2 मॉलिक्यूल किसके रिमूव होंगे, 2 H2 के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और फॉर्मेशन हो जाएगी पिरिडीन, जो सिंपल था आपका फ्रॉम टेट्राहाइड्रोफ्यूराइल अल्कोहल, ये थी फॉर्मेशन आपकी पिरिडीन की। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास हैंस मेथड ऑफ
हैंस मेथड ऑफ पिरिडीन डेरिवेटिव। हाँ जी, यही सेम मेथड, सिमिलर मेथड हम किसके लिए कर चुके हैं, हम कर चुके हैं आपके पायरोल के लिए, वहां भी आपके पायरोल के डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होती है। हाँ जी, होता क्या है आपके हैंस मेथड में, आपको इथाइल एसीटो एसीटेट की रिएक्शन करानी होती है, यानी आप लोगे इथाइल एसीटो एसीटेट जो क्या होता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, एक बीटा कीटो एस्टर होता है ये, इथाइल एसीटो एसीटेट CO C2H5, दो मॉलिक्यूल लोगे आप इथाइल एसीटो एसीटेट के, उसे रिएक्ट कराओगे अमोनिया के साथ प्लस में एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ पर हम लेंगे एसिटाइल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, इसे आप सिंपली जब हीट कराओगे तो आपके पास डाइपिरिडीन का, डाइहाइड्रोपिरिडीन के डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होगी, जो कि फॉर्मेशन होगी आपके पास डाइहाइड्रो यानी कि आपका पिरिडीन दो पोजीशन से हाइड्रोजनेटेड है, ये फॉर्मेशन होगी हमारे पास CH3NH CH3 ट्राइमिथाइल विद टू सब्स्टिट्यूटेड एस्टर ग्रुप COO C2H5। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका क्या है COO C2H5, और जब आप इसे फर्दर HNO3 की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे, HNO3 की प्रेजेंस में जब इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कराओगे, तो यहाँ से एक H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और सिमिलर डेरिवेटिव आपको किसके लिए मिल जाएगा, पिरिडीन के लिए। आपका डाई हाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव जो है वो पिरिडीन डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बाकी सब एज इट इज, जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एज इट इज ट्राइमिथाइल विथ टू सब्स्टिट्यूटेड एस्टर ग्रुप। इसके अलावा आप फर्दर क्या कर सकते हो, आप ये एस्टर ग्रुप रिमूव कर सकते हो। किस तरह से रिमूव कर सकते हो, आप पहले इन एस्टर ग्रुप्स की क्या कराओ, हाइड्रोलिसिस कराओ, जिससे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि आप क्या करा दो इनकी हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फर्दर इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करा दो, यानी कि यहाँ से दो मॉलिक्यूल CO2 के बाहर निकल जाएंगे, फर्स्ट स्टेप में ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड स्टेप में ये क्या हो जाएंगे, जब इनकी डीकार्बोक्सिलेशन कराओगे तो दो CO2 के ग्रुप बाहर निकल जाएंगे और आपके पास ट्राइमिथाइल पिरिडीन डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा, यानी कि पिरिडीन आपको मिल जाएगा विद ट्राइमिथाइल ग्रुप्स, आप कह सकते हो 2, 4 and 6 ट्राइमिथाइल पिरिडीन की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास। यहाँ से हमने किया क्या है, हमने दो इथाइल एसिटो एसिटेट के मॉलिक्यूल लिए हैं, उन्हें रिएक्ट कराया है अमोनिया के साथ और एसिटाल्डिहाइड के साथ, जिससे कि आपकी सिंपली हीट कराने से फॉर्मेशन हो जाती है। इसके मैकेनिज्म की हम बात करेंगे किस तरह से होता है। हाँ जी, सिंपली मैंने आपको पहले रिएजेंट्स और आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है कि आपको क्या क्या करना है, आपके रिएक्शन के अंदर क्या क्या स्टेप रहते हैं। तो आप एक बीटा कीटो एस्टर लोगे, बीटा कीटो एस्टर के दो मॉलिक्यूल, यहाँ पर हम इथाइल एसिटो एसिटेट ले रहे हैं, उसे रिएक्ट करा रहे हैं अमोनिया के साथ और उसे रिएक्ट करा रहे हैं एसिटाल्डिहाइड के साथ, जिससे कि आपका क्या हो रहा है, डाइहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी ऑक्सीडेशन करा करके आप H2 का मॉलिक्यूल रिमूव कर सकते हैं और क्या करा सकते हैं, आप पिरिडीन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन हो सकती है, जिसकी आप फर्दर हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन कराओगे तो आपके पास ट्राइमिथाइल डेरिवेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिंपल मैकेनिज्म के बारे में। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो इसका मैकेनिज्म जो है वो एक 3-स्टेप मैकेनिज्म रहता है, यानी कि आपको जो आपको फाइनल प्रोडक्ट है वहां तक आप पहुंचेंगे 3 स्टेप्स में। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है कि आपके 2 स्टेप्स में आपके कुछ रिएजेंट जनरेट होते हैं और 3rd स्टेप में सिंपल उसकी एडिशन होती है। तो देख लेते हैं क्या रहता है। हाँ जी, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, 1st स्टेप में रहेगा आपका जो हम लेंगे एक बीटा कीटो एस्टर का मॉलिक्यूल, जो कि क्या है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। हाँ जी, बीटा कीटो एस्टर यानी इथाइल एसिटो एसिटेट, ये जो आपका इथाइल एसिटो एसिटेट है ये यहाँ पर क्या है, ये आपके पास कीटो फॉर्म में है, और इसी की हम अगर लें इनोल फॉर्म, तो इनोल फॉर्म क्या हो जाएगी, यहां से ये
और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर देगा यहाँ पर, और ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा इस ओ नेगेटिव पर, यानी कि यहाँ से हमारे पास इनोल की फॉर्मेशन अगर हम देखें, क्योंकि ये क्या होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, किसके साथ, अपनी अपनी इनोल फॉर्म के साथ। और ये क्या होता है, अगर मैं दूसरी कीटो इनोल फॉर्म की बात करूं, उनके कंपैरिजन में जो आपका कीटो एस्टर्स होते हैं उनकी इनोल फॉर्म क्या होती है, ज्यादा स्टेबलाइज होती है। और ये बात हम कर चुके हैं, यानी ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कहां पर, आपके इनोलेट आयन की फॉर्मेशन के टाइम पर। हाँ जी, तो ये हमारे पास इनोल फॉर्म है। अगर मैं इसे रिएक्ट कराऊं आपके अमोनिया के साथ, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ, यानी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, हमने बीटा कीटो एस्टर के मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराया है अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ, जहां से हमारे पास रिएजेंट की फॉर्मेशन होती है, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, वो क्या होगा। हाँ जी, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी ये लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो और ये यहाँ से OH नेगेटिव और यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ से एक H2 का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से NH2 ग्रुप, क्योंकि H पॉजिटिव रिमूव हो गया तो NH2 नेगेटिव कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर CH3C। हाँ जी, ये आप सिमिलर कीटो फॉर्म के साथ भी कर सकते हो, सिर्फ एक दो स्टेप आपके फर्दर इंक्रीज हो जाएंगे, तो मैकेनिज्म वो भी गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल करेक्ट मैकेनिज्म है। हमने सिंपली रिप्रेजेंट किया है CH C डबल बॉन्ड O C2H5 O C2H5। हाँ जी, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहता है। अगर मैं बात करूँ सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप में क्या है, आप कीटो एस्टर के एक मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराते हो एसिटाल्डिहाइड के साथ, यानी यहाँ पर आप लोगे CH3CHO, आप CH3CHO का एक मॉलिक्यूल लोगे और उसे रिएक्ट कराओगे इथाइल एसिटो एसिटेट के साथ, CH3C डबल बॉन्ड O CH2COOC2H5। ये है आपके पास इथाइल एसिटो एसिटेट और ये क्या है आपका एसिटाल्डिहाइड। यहाँ से भी क्या होगा, आपका एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और इसके एक तरफ अटैच है COCH3 और एक तरफ अटैच है आपका COOC2H5। तो ये हमारे इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमें सिंपली इनका क्या करना है, सिंपली इनका एडिशन कराना है। हुआ क्या है, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने लिए थे दो आपके बीटा कीटो एस्टर के मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो इथाइल एसिटो एसिटेट के मॉलिक्यूल लिए थे, उन्हें रिएक्ट कराया था आपके अमोनिया के साथ और एसिटाल्डिहाइड के साथ। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म हमने कहा है कि इनका थ्री स्टेप मैकेनिज्म है, और थ्री स्टेप मैकेनिज्म में आपके क्या है, फर्स्ट दो स्टेप में एक एक मॉलिक्यूल इथाइल एसिटो एसिटेट का अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा किसके साथ, आपके एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, और आपके इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, वो इंटरमीडिएट क्या होंगे आपके फर्दर थर्ड स्टेप में ऐड हो जाएंगे। तो ये था फर्स्ट और सेकंड स्टेप, देख लेते हैं अब आपका थर्ड स्टेप मैकेनिज्म के। थर्ड स्टेप की वहां पर क्या होगा, आपके जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में रिएजेंट्स जो इंटरमीडिएट बने थे उनकी सिंपल एडिशन है। तो फर्स्ट स्टेप में हुआ क्या था, फर्स्ट स्टेप में आपने बीटा कीटो एस्टर लिया था, रिएक्ट कराया था अमोनिया के साथ, तो इनोल फॉर्म में OH2 ग्रुप NH2 से रिप्लेस हो गया था, बाकी सब एज इट इज था, यानी कि आपका C2H5OOC यानी एस्टर ग्रुप आपका एज इट इज CH डबल बॉन्ड कीटो फॉर्म की हम बात कर रहे थे, CH NH2 CH3। ये आपका इंटरमीडिएट था फर्स्ट स्टेप से, जो आपके पास प्रोडक्ट बना था उसकी एडिशन कर रहे हैं हम, जो सेकंड स्टेप से फॉर्मेशन हुई थी, ये एक बीटा कीटो एस्टर की बना था आपका, यानी कि सिंपल आपके जो CH2 था उसकी जगह आपका H2 रिमूव हो करके और आपका यहाँ पर CHCH3 के साथ बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई थी, बाकी सब एज इट इज है, एज इट इज आपका बीटा कीटो एस्टर है, यानी सब्स्टिट्यूटेड बीटा कीटो एस्टर हम इसे बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन हुई है थी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड स्टेप से। सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है किस तरह से, ये आपका क्या है ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहेगी, यहाँ पर रहेगी, यानी यहाँ पर कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली बाउंड होते हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पर, यानी सिंपली ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ऑक्सीजन पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहाँ पर, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन अटैक
अटैच है जिसके पास लोन पेयर है, जो कि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर सकता है। तो सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑक्सीजन पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर, सिंपल एक साइकिल में चला है ये, यानी ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो अब हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। जो सिंपल स्केलेटन की अगर मैं बात करूं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पर 3 और 4 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। तो हुआ क्या है, हमारे पास कुछ इस तरह से कार्बन स्केलेटन की फॉर्म में ही लेकर के चलते हैं। CH यहाँ पर CH के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जो कि फर्दर किसके साथ अटैच है, CH3 के साथ अटैच है। 4 और 5 का डबल बॉन्ड टूटा है, वहीं पर 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया किसके साथ, C, और O पर क्या आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इसके साथ CH3 ग्रुप अटैच था, और यहाँ पर क्या अटैच है, COOC2H5 अटैच है, और इस ग्रुप के साथ यहाँ भी क्या है, COOC2H5 अटैच है। सिंपली मैं हाइड्रोजन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं है। हाँ जी, ये वाला डबल बॉन्ड टूटा था, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर सी और एन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी, तो यहाँ पर एन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके अलावा ये कार्बन फर्दर किससे अटैच है, एक CH3 ग्रुप से अटैच है, तो ये फॉर्मेशन हुई है। यानी कि सिंपली यहाँ से डबल बॉन्ड आया है, यहाँ से टूटा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, यहाँ से डबल बॉन्ड गया है, यहाँ से डबल बॉन्ड आया है, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड टूटा है, यानी ऑक्सीजन पर नेगेटिव और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चार्ज रिमूव किस तरह से होंगे, क्योंकि अब आयनिक है तो इनके चार्ज रिमूव होंगे किस तरह से, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन से क्या चला गया, पॉजिटिव चार्ज चला गया। तो दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो आपके NH2 ग्रुप पर वापस से क्या आ गया है, लोन पेयर आ गया है, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन यहां से प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव होगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस यहां पर आ जाएगी, यानी वापस से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहां से होगा क्या, ये जो कार्बन है हाइड्रोजन से CH3 ग्रुप से अटैच है एक तरफ, और एक तरफ NH2 ग्रुप से अटैच है, जो कि क्या है, आपका नंबरिंग वापस कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ जी, आपका जो 1 और 2 का डबल बॉन्ड था वो वापस नाइट्रोजन पर लोन पेयर आ गए, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, 3 के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो कर लेते हैं क्या है, COOC2H5, और इसका प्रोटॉन चला गया है, और इस प्रोटॉन को जब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, आपके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। तो अब हम देख लेते हैं हुआ क्या क्या है। सबसे पहले तो ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज चला गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस यहाँ आ गई। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा तो इसका एडजेसेंट कार्बन क्या कैसा हो जाएगा, एसिडिक और एच पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ये ऑक्सीजन वापस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। तो फर्स्ट जो नाइट्रोजन था उसका पॉजिटिव चार्ज चला गया, सेकंड का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ टूट गया बट कार्बन के साथ वापस बन गया, इस कार्बन का हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में चला गया बट उसने सेकंड कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली। और वहीं पर अगर मैं बात करूं फोर्थ कार्बन की, ना तो उसका कोई बॉन्ड टूटा है, ना ही कोई नया बॉन्ड आया है, तो बस उसके सब्स्टिट्यूएंट को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। वहीं पर अगर मैं फिफ्थ कार्बन की बात करूं तो उसका पाई बॉन्ड टूटा है, हाइड्रोजन के साथ एक नया बॉन्ड बना है, क्योंकि उसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन, जब इस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ये तो कार्बन पर ही जाएगी, तो यहां से फिफ्थ कार्बन ने प्रोटॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की है, सब्स्टिट्यूएंट जो इसके साथ अटैच था वो हम एज इट इज अटैच कर लेते हैं। सिक्स्थ कार्बन जो है उसने वापस कार्बोनिल कार्बन बन गया है वो, और उसका सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहां पर, CH3। तो अब क्या है, यहां पर आपको सिंपल नजर आ रहा है कि NH2 एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कार्बोनिल कार्बन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल पर, यानी सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। तो यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा वहां पर, तो इस पर वापस पॉजिटिव चार्ज, वापस पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसका हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव होगा, जिसे ओ नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि अब हमारे पास हमारी साइक्लाइजेशन हुई है, और उस साइक्लाइजेशन में क्या हुआ है, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद हम देख लेते हैं कहां कहां डबल बॉन्ड है और कहां कहां हमें सब्स्टिट्यूएंट अटैच करने हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरा साइक्लाइजेशन कंप्लीट हो गया है, यहां पर इस कार्बन पर सिक्स कार्बन जिसे हम कह रहे हैं, यहां OH आ जाएगा, और इसके साथ क्या अटैच है, एक
CH3 ग्रुप अटैच है, वहीं पर यहां पर एक हाइड्रोजन और एक एस्टर ग्रुप अटैच है। यहां पर ये था आपका सिक्स्थ, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। यहां पर सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हाँ जी, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। उसके बाद फोर्थ, इसके सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं क्या है, यहां पर एस्टर ग्रुप अटैच है और वहीं पर हमारे सेकंड कार्बन के पास CH3 यानी मिथाइल ग्रुप अटैच है। वहीं पर फोर्थ कार्बन पर भी क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, सिंपल डीहाइड्रोलाइसिस होगी, यानी यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास माइनस वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर आपके डाइहाइड्रोपिरिडीन की जिसकी हमने बात की थी उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां पर 2, 4 और 6 पर तो मिथाइल ग्रुप आ गए, 2, 4 और 6 पर मिथाइल ग्रुप आ गए और 3 और 5 पोजीशन पर आपके एस्टर ग्रुप आ गए। हमने यही बात की थी कि इसी की फॉर्मेशन होगी। तो हम कहां तक पहुंच गए हैं, अपने एंड प्रोडक्ट तक पहुंच गए हैं। इसके बाद हमें पता है ये डाइहाइड्रोपिरिडीन की फॉर्मेशन हो गई है। तो वापस जाते हैं अपने मैकेनिज्म की स्टार्टिंग पर, यानी कि अपनी रिएक्शन की स्टार्टिंग पर। इसको हम फर्दर क्या करेंगे, इसको हम फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 की प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका डाइहाइड्रोपिरिडीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिरिडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे आप फर्दर हाइड्रोलिसिस और क्या करा सकते हो, डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हो, जिससे कि आपके एस्टर ग्रुप रिमूव हो जाएंगे और 2, 4 और 6 मिथाइलिन ट्राइमिथाइल पिरिडीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये थे आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।